कौन सी छाट के बाहर मोदी जी, मोदी जी कौन है? मोदी जी कुछ नहीं, मोदी तो गरीबों का जान मार दिया, महंगाई को आकाश में पहुंचा। बीजेपी कदम हूँ कि बीजेपी कदम हूँ, बीजेपी कुछ काम कर गई है? कैसे काम कर गए? इतना बड़ा मंदिर बनवा दल के मंदिर से पेट भरे ला, वो तो जुमला पार्टी है। तब है कुशवाहा जी पर विश्वास है कि वो आए हैं तो कुछ काम करेंगे, उनको हम लोग लोकसभा भेजने का काम करेंगे, बहुत बहुमत से लोकसभा उनको हम लोग भेजेंगे, काम करेंगे। क्या लगता है? नमस्कार, मैं दिलीप बाबू, आप देख रहे हैं किंग न्यूज़। इस वक्त अभी हम औरंगाबाद में मौजूद है और देख सकते हैं यहाँ पे कितना भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पे अभय कुशवाहा जी का नॉमिनेशन था, नॉमिनेशन में लोग गांव देहात से लोग बहुत सारे लोग आए हैं, यहाँ पे लाखों की संख्या में बहुत सारे बूढ़ बुजुर्ग युवा साथी सब लोग आए हैं यहाँ पे। चलिए हम कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। कैसे हैं भैया? ठीक है। यहाँ पे आज अभय कुशवाहा जी का नॉमिनेशन है जी, जी तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए जी? अभय कुशवाहा जी के यहाँ देखिए कि कितना जन सैलाब उमड़ा है उनके समर्थन में, तेजस्वी यादव जी के समर्थन में, लालू यादव जी के समर्थन में। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के बहुत दिनों से मांग था, वो पूरा हुआ और हम लोग जितना बहुजन हैं सब एक होकर राष्ट्रीय जनता दल को हम लोग वोट देने का काम करेंगे, बहुत जोड़ तोड़ से यहाँ पे काम करेंगे। आप लोग देखो होंगे कि 2014 से सुशील सिंह जी उत्तर कोयल नहर का बार बार का मुद्दा उठाते हैं, 2014 में भी वो मुद्दा उठाएं, 2019 में भी वो मुद्दा उठाएं और 2024 में भी सेम वही मुद्दा उठाएं, वो मरते तक यही उनका मुद्दा रहेगा और विकास उनका कुछ नहीं है, सिर्फ वही मुद्दा को बार बार को दोहराने का काम करते हैं, जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, खाली भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि हम नहर ला देंगे, लेकिन 2014 से आज तक का उनका वही मुद्दा रहा, वो पूरा नहीं कर पाए। हम लोग को अभय कुशवाहा जी पर विश्वास है कि वो आए हैं तो कुछ काम करेंगे, उनको हम लोग लोकसभा भेजने का काम करेंगे, बहुत बहुमत से लोकसभा उनको हम लोग भेजेंगे, काम करेंगे। क्या लगता है अरविंद तेजस्वी यादव जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, 40 के 40 सीटों पर इंडिया अलायंस के बीजेपी दावा कर रही है कि हम 40 से 40 सीट लाएंगे। कैसे दावा कर रही है? उसका तो पूरा झोल है भाजपा का, पूरा ईवीएम का घोटाला कर लेता है। आप चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में देखें कि किस तरह से धांधली किया गया था, खुलेआम धांधली हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट में धांधली पकड़ा गया, तो कैसे आप बोल रहे हैं? हम लोग महागठबंधन के 40 के 40 सीट हम लोग देने का काम करेंगे, जनता का जनसैलाब देखिए कितना है। कैसे कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया। आज अभय कुशवाहा जी का नॉमिनेशन था, नॉमिनेशन में आप लोग आए हुए हैं पूरा गांव देहात से उठकर, इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? ये जो आज का दिन है, जो यहाँ भीड़ लगा हुआ है, यह एक मैंडेट के रूप में काम कर रही है जी। यह मैंडेट अगले जो कड़ी में जो खड़े हमारे विपक्ष में है अभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उनको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है जिससे वह हताश होकर गिर जाएंगे। ये मैंडेट का देन है और ये राष्ट्रीय जनता दल का हुजूम है, और ये जो जनता आई हुई है ना किसी भाड़े का भीड़ है, ये स्वेच्छा से आई हुई भीड़ है। लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो उनके आशीर्वाद से जो मिला है अभय कुशवाहा जी को टिकट, उनके मनोबल और उनकी मैंडेट और उनकी जीत का सर्टिफिकेट बांटने का ऐलान कर दिया गया है। अच्छा, तो क्या लगता है तेजस्वी यादव जीत पाएंगे? इसमें कहीं दूर आया नहीं है, पिछले बार भी हमारे जब नेता 2020 में हम लोग जब विधानसभा के चुनाव लड़े थे उस टाइम हमारा पूरे बिहार में सबसे बड़ी मैंडेट वाली पार्टी उभर के आई थी, लेकिन हम लोगों को बेईमानी के तहत, भारतीय जनता पार्टी के साजिश के तहत हम लोगों को पार्टी को शिकस्त दिया गया। हमारे कई एक कैंडिडेट को 200 वोट 400 वोट के में, हमारे कैंडिडेट सुरेंद्र प्रसाद यादव उनको पोस्टल बैलेट वोट कैंसिल करके पिछले बार लोकसभा चुनाव हराया गया। इस तरह से हमारे सारे कैंडिडेट को चुनाव हराती है भारतीय जनता पार्टी, और जो हमारे नेता नहीं डरने वाले थे उनको ईडी सीबीआई लगा के डराने का काम किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंतोगत्वा जो आज लड़ रहा है वो लड़ेगा और न झुकेगा, न झुका है न झुकेगा। चलिए कुछ और लोग हैं, भैया लोग कुछ बताएं, क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा है। बताइए, आज अभय कुशवाहा जी के नॉमिनेशन में आप आए हैं तो इसके प्रति क्या कहना चाहिए? देखिए, ये यहाँ की आज का जनसैलाब आज दिखा दिया है, आज ही तय हो गया है कि औरंगाबाद फतह होने वाला है, पूरा दूर दूर तक सुशील सिंह अब नजर नहीं आएंगे। बीजेपी दावा करे कि हम जीतेंगे, बीजेपी दावा तो कोई कर, दावा हम भी कर रहे हैं कि 400 पार हम जाएंगे, आप नहीं, आप तो 200 के नीचे चल जाएगा, 100 के नीचे आ जाएगा, 400 हम ही लेंगे तो आप कहाँ चल जाइएगा? बीजेपी दावा कर रही है कि हम 400 पार लाएंगे, 40 पार लाएंगे। दावा करने से नहीं होता है, जो दावा तेजस्वी यादव ने जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया। मोदी जी जो वादा किए थे 15 करोड़ रुपया 15-2 लाख रुपया सबको देंगे और युवाओं को रोजगार देंगे, क्या उन्होंने दे दिया? उन्होंने प्रमाणित कर दिया दे करके कि मोदी ने मंदिर बनवा दिए जी, राम मंदिर बनवा देंगे, हमको तबियत खराब है तो मंदिर जाएंगे कि हॉस्पिटल में जाएंगे? हॉस्पिटल आप बनाइए ठीक है, मंदिर अच्छी बात है, उसमें आस्था सबका है, हमारा भी है, हम भी राम को मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर
पुलवामा के नाम पर कितना देर वोट लीजिएगा जी? आप जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं? ये औरंगाबाद की जनता है, आपको विधानसभा में दिखाने का काम किया ना, छह के छह महागठबंधन आया, इस बार औरंगाबाद फतह होने वाला है। मोदी जी यहीं आए थे ना, इसी ग्राउंड में ना, क्या उन लोग औरंगाबाद के लिए कुछ दिए? मेडिकल कॉलेज की बात, मेडिकल कॉलेज दिए? वहाँ को रोजगार के बारे में कुछ बोले? नहीं बोले। और इसी ग्राउंड से यहाँ क्या आज नामांकन हुआ है, और ये अभय कुशवाहा यहाँ के प्रत्याशी हैं, युवाओं के चहेता हैं, और माननीय लालू जी ने उनको आशीर्वाद दे करके भेज दिया है कि जाओ तुम औरंगाबाद फतह कर करके आओ और अपना एमपी बन करके आओ, दिल्ली की दरबार में जा करके गर्जेंगे अभय कुशवाहा जी। वोटवा दीजिएगा कहे? वोट वोट देंगे और दिलवाएंगे, इसमें कोई ये है का? पक्का दिलवाइएगा? पक्का नहीं तो झूठ बोलते हैं, लालू यादव के सिपाही हैं, इसी थोड़ी है, झूठ थोड़ी बोलते हैं। कैसे? बहुत अच्छा प्रत्याशी हैं अभय कुशवाहा जी, इस बार जीत सुनिश्चित है इनको, और करीब 2 लाख वोट से इनका जीत सुनिश्चित होगा। सभी कास्ट के लोग वोट इनको देंगे। आरजेडी समर्पित अभय कुशवाहा जी को लंटेन छाप पर 19 तारीख को सब देंगे। तो इससे अच्छा मोदी जी काम कर रहे हैं जी। क्या किए मोदी जी? आप मंदिर बनवा दिए? कहाँ मंदिर हुआ? अरे अस्पताल चाहिए, रोजगार चाहिए आदमी को, तो रोजगार नहीं दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं बताइए? 5 किलो अनाज मिल रहा है तो 5 किलो से हो जाएगा जी? दे रहे हैं जी, 5 किलो में कहाँ होगा? कुछ ही दिए, काजे दिए लालू यादव, सब कुछ दिए। क्या दिए बताइए ना? गरीब गुरुआ को बोलने का आवाज दिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड से आज टकरने के लिए आज आवाज दिए, लालू यादव का देन है। बताइए कहाँ से? हमको इमामगंज ब्लॉक में घर पड़ता है। कहाँ अलुआ? आए हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद अलुआ? हाँ। ता सुनाओ भाषण माँ। हैं? भाषण सुनाओ बाबा। सब भाषण सुन रहे हैं। हाँ। और जितना भाषण हो रहा है बिल्कुल सही, एक भी गलत नहीं। तब मुझे तो सही कहा तू? मोदी जी, मोदी जी कौन सी झाट के बाल है? मोदी जी, मोदी जी कौन है? मोदी जी कुछ नहीं, मोदी तो गरीबों का जान मार दिया, महंगाई को आकाश में पहुंचाती है। डिजिटल इंडिया बन रहा है, गरीब गांव बन रहा है। अरे कौचे बनावे का मोदी न बन रहा है, कुछ नहीं, डिजिटल गांव बन गया, डिजिटल दिख रहे हैं, गांव का लाइन चल गया, गांव का रोड चल गया। अरे कुछ नहीं, 100 रुपए लीटर में टिकट थे। क्या ठीक है? आज आए नमेश्वर में, क्या कहना चाहिएगा? नमेश्वर कहाँ जाएंगे कि अभय कुशवाहा को जिताना है? जिताना है? हाँ। सही में जिताइए, बोल रहे हैं? नहीं सही में जिताएंगे। जिताइएगा? जीतेगा जी, जीतेगा। क्या बोल रही है भैया? अच्छा भैया भैया आप कहाँ से आए हैं? हम महाराजन पंचायत से आए हुए हैं, कुटुम्बा विधानसभा से। अच्छा अच्छा, तो क्या लगता है अभी आरजेडी आएगा कि बीजेपी फिर आएगा? बिल्कुल महागठबंधन के प्रत्याशी जीतेगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। अच्छा हाँ, तो बीजेपी कह रहा है ना जी हम ही जीतेंगे, 40 में 40 सीट लाएंगे? ऐसा कोई बात नहीं है, आपको ये बता देना चाहता हूँ कि औरंगाबाद जिला में सभी के सभी विधायक महागठबंधन का निर्वाचित हुआ है। अब इससे साफ जाहिर होता है कि इस लोकसभा में अब की परिवर्तन का लहर साफ झलक दिखा रहा है। अब की बार अभय कुशवाहा बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव निकाल रहे हैं, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। कहाँ से आलू बाबा? कहाँ से आलू है? रजोई बिजोई। तो कहाँ सुन लो यहाँ आलू था? लालू यादव के वोट यहाँ मिलेगा। लालू यादव के? हाँ। कि बीजेपी के दम हूँ? कि बीजेपी के दम हूँ? बीजेपी कुछ काम कर के है। कैसे काम कर के? इतना बड़ा मंदिर बनवा दल के है, मंदिर से पेट भरे ला, वो तो जुमला पार्टी है। तब कैसे? जहाँ तक मंदिर की बात है, मंदिर से लोगों का पेट नहीं चलता है। नहीं, मंदिर से आपका पेट चलेगा? आप जनता के बीच जा रहे हैं तो मोदी जी कहे ना कि हम मंदिर बनवा दिए हैं। मंदिर बनवा के मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम जो बीजेपी सरकार कर रही है, अब यह राजनीति चलने वाला नहीं है। यहाँ के बेरोजगार युवा वैसे नेता का तलाश कर रहा है जो रोजगार युवाओं को भरपूर मात्रा में अधिक से अधिक रोजगार देने का काज करेगा। हम लोग तेजस्वी यादव के साथ मतलब जुड़े हुए हैं, और इन्होंने जो हम लोग को मैंने 17 महीना के सरकार में जो रोजगार देने का काम किया, शिक्षक का बहाली निकाला, उसमें लाखों घरों में रोजगार का रोजगार हुआ, जिसमें करोड़ों परिवार का पेट पार चल रहा है, जो को पार्जन संचालित हुआ। इसलिए हम लोग को वैसा मतदान के वैसा कैंडिडेट की जरूरत है जो हमारे पेट को भरने का काम करे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे साथ यहाँ युवा लोग आए हुए थे, आज अभय कुशवाहा जी का यहाँ पे आज नॉमिनेशन था। आपका क्या रहता है? कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जय हिंद, जय भारत।